हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर महेंद्र कुमार। एक बार फिर मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव ट्यूटोरियल्स बाय महेंद्र सर में स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट की बात करने वाला हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, और ये ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सेट किया जाता है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्या मानते हैं, उन्हें नर्सरी क्लास से फर्स्ट क्लास से यही सिखाया जाता है कि वर्ब्स के बाद जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बेचारे उसी को याद करते हुए आगे चलते हैं, और जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात आती है तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ये जो इल्यूजन था, जो मिथ था, वो दूर हो जाएगा। आपको बिल्कुल डेड श्योर पता चल जाएगा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कब आता है और कॉम्प्लीमेंट कब आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, आपको वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या कॉम्प्लीमेंट। तो चलते हैं हमारे आज की टॉपिक कॉम्प्लीमेंट की तरफ। मैं आपको ये कंसेप्ट दो एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां है, कॉम्प्लीमेंट कहां है। फॉर एग्जांपल, राम हैज अ बॉल, वन सेंटेंस। सेकेंड इज राम इज अ बॉय, दो सेंटेंस मैंने यहां पे लिखे। वर्ब के बाद हमें अ बॉल दिया हुआ, अ बॉय दिया हुआ। अब इन दो सेंटेंस में से एक ऑब्जेक्ट है और एक कॉम्प्लीमेंट है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? तो बड़ा सिंपल सा रूल है, सुनिए क्या रूल है। अगर वर्ब के बाद जो हमारा नाउन आता है, संज्ञा आती है, अगर वो हमारे सब्जेक्ट से डिफरेंट हो, मींस हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो नाउन आ रहे हैं अगर वो दोनों अलग अलग चीजें हों, तो जो वर्ब के बाद आता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जरा देखिए, यहां पे राम हैज अ बॉल, राम इज द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, एंड बॉल इज ए थिंग, एक चीज है। तो बॉल राम नहीं है, राम बॉल नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए बॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में पूरक कहते हैं, और अगर हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वन दैट कंप्लीट्स अ सेंस। कोई भी चीज जो मीनिंग पूरा करती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब डेफिनेशन याद करना बड़ा आसान है, लेकिन हम उसे रियलिटी में समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब यहां पर जो आपको ये बॉय दिया हुआ है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब कैसे कॉम्प्लीमेंट है, जरा ध्यान से सुनिए। अब रूल ये कहता है कि यदि जो वर्ब के बाद हमारा जो नाउन आता है अगर वो सेम टू सेम क्या हो, हमारा सब्जेक्ट हो, तो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो राम क्या है, बॉय है, बॉय क्या है, राम है, दोनों सेम ही चीजें हैं लेकिन वर्ड्स डिफरेंट हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि वर्ब्स के बाद जो हमारा नाउन आता है अगर वो और सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो वो नाउन हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और यदि वर्ब्स के बाद जो नाउन आता है अगर वो सेम टू सेम सब्जेक्ट हो डिफरेंट वर्ड्स में तो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो बॉय हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। राम बॉय है, बॉय राम है। अब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो दो प्रकार का होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। टू टाइप्स का हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, कौन सा, वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड
सेकेंड इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाता है. आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें जो वर्ब के बाद जो चीज आती है उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है. आपसे चार ऑप्शन लिए जाते हैं कि जो वर्ब के बाद जो चीज आई है वो हमारी ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. तो ऐसे आपको उलझाया जाता है. अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम इसको समझते हैं. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर वर्ब के बाद जो चीज आती है अगर वो सेम टू सेम किसको रिपीट करती है, हमारी सब्जेक्ट को रिपीट करती है, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, राम इज अ बॉय. तो इसमें अब बॉय क्या है, अभी बताया था कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सेम टू सेम राम है. राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में क्या पैटर्न आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी हमारी वर्ब, और फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है. तो राम हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो चीज आ रही है सेम टू सेम किसको रिपीट कर रही है, राम को. तो यहां पर ए बॉय हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वर्ब के बाद आने वाली चीज अगर सेम टू सेम हमारे सब्जेक्ट को रिपीट करती है डिफरेंट वर्ड्स में, तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. चलते हैं हम दूसरे थिंग की तरफ, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं. द टीचर सिलेक्टेड हिम द मॉनिटर. हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, अंडरलाइन कर दिया हमने मॉनिटर. अब हमने बताना है कि ये मॉनिटर क्या है. अब ये मॉनिटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. कैसे है जरा देखते हैं. मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी आ सकता है. सबसे पहले हमारा टीचर दिया हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट है, सिलेक्टेड हमारी वर्ब आ गई. अब हमने देखना, हमारे पास दो चीजें दी हुई है, हिम और द मॉनिटर. पहले हिम आया, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है. तो देखते हैं, टीचर हिम दोनों अलग अलग चीजें हैं. टीचर डिफरेंट पर्सन है, हिम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट पर्सन है. तो इसका मतलब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. और मैंने आपको बताया था, यदि वर्ब के बाद कोई चीज आती है अगर वो हमारी सब्जेक्ट से डिफरेंट होती है तो हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. अब हम बात करते हैं इस मॉनिटर की, कि ये मॉनिटर किसकी विशेषता बता रहा है, किसको रिपीट कर रहा है, टीचर को रिपीट कर रहा है या हिम को रिपीट कर रहा है. हम सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सिलेक्टेड हिम द मॉनिटर. मॉनिटर कौन बना, हिम बना. हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो इस प्रकार मॉनिटर हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि ये किसको रिपीट कर रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है. कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं. वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट. एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको देखिए आप. वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट. We invited him, the chief guest. देखिए फिर हम अंडरलाइन करते हैं the chief guest. We हम अलग हैं, him अलग है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. अब chief guest किसकी विशेषता बता रहा है, chief guest कौन था, him था. तो ये हमारा him क्या था, ऑब्जेक्ट था. तो chief guest क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा. एक तो ये तरीका है. कई बार आपको पेपर में एक नए पैटर्न से पूछते हैं, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऐसे दे दिया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. दूसरा ऑप्शन दे दिया दिस. थर्ड आपको ऑप्शन दे दिया. चौथा आपको ऑप्शन दे दिया. बच्चे बड़े उलझ जाते हैं कि ये क्या लिख दिया. डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंबॉलिक नेम है. एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड फॉर वर्ब, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, एंड सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इसी का अगर हमारे को चार ऑप्शन दिया हो, आपसे पूछे कि कौन सा है, तो बहुत ईजी से है,
वी हमारा सब्जेक्ट है, इनवाइटेड हमारी वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर ठीक होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। तो अगर एग्जाम में इस तरीके से आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिस्टमेटिकली चलिए एंड यू विल बी एबल टू डील विद दिस टॉपिक। सो आई होप दैट योर कंफ्यूजन रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट मस्ट हैव बीन रिमूव्ड एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन ए बेटर वे। सो इफ यू फाइंड माई वीडियो रियली इंफॉर्मेटिव, really giving you something new, so please share my video, subscribe my channel, so that other may also be benefited and you may also get notification of different videos from time to time. Thank you.